सौर मंडल, जिसे हम सौर परिवार भी कहते हैं, सूर्य से संबंधित है, यानी सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होकर अन्य सभी ग्रहों, उल्कापिंडों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उछल तारों को प्रकाश व ऊष्मा प्रदान करता है। इसे हम सौर मंडल या सौर परिवार का नाम देते हैं। वह बुध, मर्करी, सूर्य के पास सबसे छोटा ग्रह है। यह तेजी से घूमता है और उसकी तापमान बहुत अधिक होती है। 2. शुक्र, वीनस, इसका द्रव्यमान सूर्य के हजारवें भाग के बराबर है। यह एक गर्म और बर्फीला ग्रह है। 3. पृथ्वी, अर्थ, हमारी धरती जिस पर हम रहते हैं, यह जीवन के लिए अनुकूल है और जल, वायु और जलवायु के संतुलन के कारण जीवन संभव है। 4. मंगल, मार्स, यह एक गैस दानव है और सूर्य के लगभग आधे द्रव्यमान का है। इस पर धरती की तुलना में बहुत कम वायुमंडल होता है। 5. बृहस्पति, जुपिटर, सूर्य से पांचवां और सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक गैसीय ग्रह है और बड़े गोले के रूप में दिखता है। 6. शनि, सैटर्न, इसके छोटे छोटे पिंडों की श्रृंखला है जिन्हें एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। इसके चारों ओर एक बड़ी रिंग होती है जो खासकर हाइड्रोजन और हीलियम से बनी होती है। 7. अरुण, यूरानस, इसके पास छोटे गोले उपग्रह है और यह अचानक घूमता है। 8. वरुण, नेपच्यून, सूर्य से सबसे बाहरी ग्रह है। यह बहुत ठंडा और गैसी ग्रह है। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह और एक सूर्य है। सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और यह सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा भी है। सभी ग्रह निरंतर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन सभी ग्रहों को आंतरिक और बाह्य ग्रहों में विभाजित किया गया है।